नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप। अगर आपको ऑयल पेस्टल कलर को ब्लेंड करने में कोई भी दिक्कत होती है तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत दोस्तों। आज हम आपको ऑयल पेस्टल कलर को ब्लेंड कैसे किया जाता है, कैसे आप कलर को आसानी से मिक्स कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको बताएंगे कौन कौन से आपको मटेरियल लेना है, यानी कौन कौन सा टूल लेना है, किसकी हेल्प से आप ऑयल पेस्टल को ब्लेंड कर सकते हैं। कई तरीके हैं दोस्तों ऑयल पेस्टल को ब्लेंड करने के लिए, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और दोस्तों हमारा एक ऑयल पेस्टल का नया चैनल है जिसमें हम ऑयल पेस्टल ड्राइंग बनाते हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया ड्राइंग आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों जल्दी से हम आपको मोबाइल में दिखा देते हैं। यहाँ पर आप मोबाइल के स्क्रीन में देख सकते हैं दोस्तों, एपी ऑयल पेस्टल ड्राइंग, ये हमारे चैनल का नाम है एपी ऑयल पेस्टल। और आपको नीचे के साइड में यहाँ पे बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाएगा, व्यू मोर जब मैं करूँगा तो आपको बहुत सारे यहाँ पे दिवाली से रिलेटेड हो गया, ये ब्यूटीफुल रिवर सीनरी, कई सीनरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके चैनल पे विजिट करिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों अब हम बात करेंगे ऑयल पेस्टल ड्राइंग को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे हाथ में एक वाइट कलर का पेपर है, आप A4 साइज पेपर को दो टुकड़ों में डिवाइड करके यूज कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं केवल सीखना चाहते हैं तो आप A4 साइज पेपर पे ही करिएगा, या आप अगर इससे हाई लेवल जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हमारे हाथ में देख सकते हैं, इसकी अपेक्षा थोड़ा ये हमारा पेज मोटा है। तो इसमें जब आप ऑयल पेस्टल को ब्लेंड करेंगे तो आसानी से हमारा ऑयल पेस्टल कलर दोस्तों ब्लेंड हो जाएगा, पेज फटने का कोई चांस नहीं रहता है। और इसके साथ में आपको चाहिए एक पेपर टेप, यहाँ पे हमारे हाथ में देख सकते हैं दोस्तों पेपर टेप, आपको ये पेपर टेप किसी भी शॉप पे मिल जाएगा, यानी कि जहाँ पे बुक्स मिलते हैं वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे ऑयल पेस्टल ड्राइंग में आपको कौन सा पेंसिल यूज करना चाहिए। आप हमारे हाथ में देख सकते हैं दो पेंसिल हमारे पास है, आपको एक ही पेंसिल यूज करना है दोस्तों। यहाँ पे ये हमारा पेंसिल है ग्रेफाइट पेंसिल, आप किसी भी कंपनी का ग्रेफाइट पेंसिल ले सकते हैं, 8B लीजिएगा, 8B हो गया, 10B हो गया, इसे जितना आप ज़्यादा जाएंगे 8B 10B वही पेंसिल लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप थोड़ा कम लेते हैं 2B 3B तो पतला होगा तो आपको डार्क करने में बहुत ही दिक्कत हो सकती है दोस्तों, तो मेरी बात माने तो आप 8B 10B पेंसिल ही लीजिएगा, ये आसानी से आप ऑयल पेस्टल में ड्राइंग बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऑयल पेस्टल को आप कैसे आसानी से ब्लेंड कर सकते हैं, तो चलिए दोस्तों जल्दी से ऑयल पेस्टल कलर को ब्लेंड करना भी सीख लेते हैं। तो दोस्तों आप यहां पर स्क्रीन पर बहुत ही क्लियर देख सकते हैं हमने ऑयल पेस्टल कलर को ब्लेंड करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर रखा हुआ है। पहला आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला हमारा है कॉटन बड। कॉटन बड में ये दोस्तों रहता है कि कहीं आपको अगर बारीक पतली चीज़ों को ब्लेंड करना है तो आप आसानी से इसकी हेल्प से ऑयल पेस्टल कलर को ब्लेंड कर सकते हैं दोस्तों। इसमें एक स्टिक लगा रहता है और ऊपर के ही साइड में आपको कॉटन लगा हुआ दिखेगा, या आप अगर बनाना चाहते हैं खुद से तो आप एक स्टिक लीजिएगा और यहाँ पर ऊपर के साइड में आप कॉटन यानी रुई को लगा दीजिएगा तो आप आसानी से ब्लेंड कर सकते। अब आप दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ऑयल पेस्टल कलर को ब्लेंड करने के लिए हम यूज करेंगे टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर के बाद आप एक कोई भी कॉटन क्लॉथ ले सकते हैं, यहाँ पे हमारा ये कॉटन क्लॉथ है, इसकी हेल्प से भी ऑयल पेस्टल को आप ब्लेंड आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप ब्लेंडिंग स्टेम का भी यूज कर सकते हैं, ये थोड़ा महंगा पड़ेगा, अगर आप इसको बाय भी करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ पर बाय कर सकते हो। आप ब्लेंडिंग स्टेम की हेल्प से भी ऑयल पेस्टल को ब्लेंड कर सकते हैं। और एक और तरीका है, फिंगर की हेल्प से भी आप ऑयल पेस्टल कलर को ब्लेंड कर सकते हैं दोस्तों। और लास्ट में हम आपको बताएंगे एक और तरीके से, पहले हम यहाँ पर जो हमारे पास है 1, 2, 3, 4 and 5 तरीके से ऑयल पेस्टल को चलिए हम आपको पेपर पर ब्लेंड करके दिखा देते हैं। इसके बाद आपको हमें एक बहुत ही अमेजिंग तरीके से ऑयल पेस्टल कलर को ब्लेंड करना सिखाएंगे, इसको हम लास्ट में आपको बताएंगे, चलिए पहले इसको बता देते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहले आप कलर को लगा लीजिएगा आसानी से, आप ऐसे लगाइए, इधर हो गया हमारा, ये कलर लग गया, फिर नीचे के साइड में एक कलर और लगा दीजिएगा, ये दो कलर आप ऐसे हल्का सा ओवरलैप यहाँ पर कर दीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा ओवर। चलिए जूम करके थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं, जूम हो गया। अब हम लेंगे ये हमारा कॉटन बड्स, देखिएगा बहुत ही आसानी से ये हमारा ब्लेंड होगा। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा दोस्तों, तो आपको समय देना पड़ेगा, तो बहुत ही अच्छे से ये हमारा ब्लेंड हो जाएगा। अब दोस्तों दूसरे तरीके में हम देखेंगे फिंगर की हेल्प से आप ऑयल पेस्टल को कैसे ब्लेंड कर सकते हैं।
यहाँ पर आप पहले जो भी आपको ड्राइंग बनाना है कलर लगा लीजिएगा, आसानी से कलर लगाइएगा बहुत ही आराम से। फिर इसके बाद आप दूसरा कलर लगा दीजिएगा, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, हल्का सा ओवरलैप आप यहाँ पे ऐसे कर देंगे। फिर आप अपने फिंगर को देख लीजिएगा क्लीन है कि नहीं, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फिंगर को क्लीन रहना चाहिए, आपका साफ़ फिंगर रहे। फिर इसके बाद आप आसानी से यहाँ पर एक फिंगर से आप एक कलर करिएगा, फिर दूसरे फिंगर की हेल्प से आप दूसरे कलर को ऐसे आसानी से ब्लेंड कर सकते हैं। तो इस तरह आपको यहाँ पर ब्लेंड मिलेगा। अब हम आपको बताएंगे कैसे आप टिश्यू पेपर की हेल्प से ऑयल पेस्टल को ब्लेंड करेंगे। यहाँ पर पहले आप कलर लगाइए, ये लग गया हमारा कलर। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और आपको कुछ जानकारी दें या कोई जानकारी कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपको वो जानकारी ज़रूर बताएंगे। ये हो गया हमारा कलर लग गया। कलर लगने के बाद दोस्तों अब हम यहाँ पर यूज करेंगे टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर को आप फोल्ड कर दीजिएगा, फोल्ड हो जाने के बाद यहाँ से ऐसे पकड़िए, फिर आसानी से इसको आप ऐसे पहले डार्क वाले को लगा लीजिएगा, बहुत ही आराम से करिएगा, ज़्यादा बहुत जल्दी जल्दी नहीं, आराम आराम से करेंगे तो ये हमारा आसानी से ब्लेंड हो जाएगा। हम बात करेंगे कैसे आप क्लॉथ की हेल्प से यानी कि कपड़े की हेल्प से भी आप ऑयल पेस्टल कलर को ब्लेंड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहले आप कलर लगाइए, ये हमारा दूसरा कलर लग गया है। दूसरा कलर लगने के बाद देखिएगा, आप कॉटन क्लॉथ लीजिएगा और फिंगर को इस तरह आप यहाँ पर अंदर की तरफ लगा देंगे। अंदर की तरफ लगाने के बाद अब आप देखिएगा, यहाँ से पहले तो आप इस कलर को लगा दीजिए, इसको साइड में करते हैं, फिर इसको थोड़ा सा यहाँ पर आप हल्का सा नीचे के साइड में कर दीजिएगा, फिर आसानी से आप इसको ऐसे ब्लेंड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत ही अच्छे से हमारा कलर ब्लेंड हो गया है। अगर आप ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज करना चाहते हैं, चलिए उसको भी हम आपको बता देते हैं ब्लेंडिंग स्टम्प को कैसे आपको यूज करना है। यहाँ पर भी आप ऐसे पहले कलर को लगा लीजिए, एक कलर यहाँ पर लगाइएगा। इतना छोटा छोटा आप ड्राइंग मत बनाइएगा दोस्तों, क्योंकि आपको बड़ा बनाना है तो आप इतना नहीं लगाएंगे, थोड़ा बड़ा बनाइएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको ये ब्लेंडिंग स्टम्प लेना होगा, यहाँ से आप आसानी से इसको ब्लेंड कर दीजिएगा, इसका भी आप यूज करके ऑयल पेस्टल कलर को ब्लेंड कर सकते हो। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने आपको 5 तरीके से अभी ऑयल पेस्टल कलर को ब्लेंड करना बताया है। पहला है कॉटन बड्स, दूसरा फिंगर, टिश्यू पेपर, क्लॉथ्स एंड ब्लेंडिंग। तो दोस्तों आपने 5 तरीके से ऑयल पेस्टल कलर को ब्लेंड करना सीख लिया है। अब छठवां तरीका कौन सा है, इसमें आपको क्या यूज करना है दोस्तों, आप हमारे हाथ में देख सकते हैं एक ब्रश यानी टूथ ब्रश। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही यहाँ पे देख रहे हैं, टूथ ब्रश। टूथ ब्रश की हेल्प से भी आप ऑयल पेस्टल कलर को ब्लेंड कर सकते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे आप टूथ ब्रश की हेल्प से भी ऑयल पेस्टल कलर को ब्लेंड आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारे हाथ में देख सकते हैं ये एक पुराना टूथ ब्रश है जिसका आगे वाला ब्रश थोड़ा सा खराब हो चुका है और हमने यहाँ पर ऑयल पेस्टल कलर भी लगा लिया है। अब हम इसकी हेल्प से करेंगे ऑयल पेस्टल कलर को ब्लेंड। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पर पहले ऑयल पेस्टल कलर को ब्लेंड किया, फिर इसके बाद जस्ट हम आप आ गए दूसरे कलर में। इस तरह आप गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। यहाँ पे आपको दूसरा ब्रश यूज करना, अगर आप ब्रश का यूज करते हैं तो दूसरा यूज करिएगा, ये नहीं कि आप इसी में एक बार यहाँ पे किए हैं यही वाला कलर लाकर आप दूसरे में लगा देंगे तो ये हमारा जो कलर रहेगा वो ख़राब हो जाएगा, यानी कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों। तो आप दूसरे ब्रश का यूज करिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।